आज की हमारी मूवी है फॉलन, जिसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी एक फैंटेसी रोमांटिक स्टोरी है, जो एक फैंटेसी रोमांटिक बुक्स की एडेप्टेशन है। मूवी की स्टोरी एक सीरीज बुक पर बेस्ड है, तो इसका एंड भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और अंत तक बने रहे इस वीडियो से, सो एंजॉय दिस स्टोरी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है, जब लाइट्स नहीं थे तब एंजल्स थे, तब डार्कनेस हुआ करता था, पर एक ही मोमेंट में सब कुछ ब्राइट हो गया और एक प्यारा सा हेवन तैयार हो गया। गॉड्स में से एक का नाम था लूसीफर, जिसने सभी के खिलाफ जीत हासिल की और वो डेविल बन गया। और अब डेविल और गॉड्स, इन दोनों में वॉर्स चलते थे और एंजल्स को एक साइड चुननी थी, तो सभी एंजल्स ने एक साइड चुन ली, पर एक एंजल था जिसने दोनों साइड में से कोई भी साइड चुनी नहीं। उसका मानना था जंग ये प्यार से ही जीती जा सकती है। जब तक रेबल एंजल चूज नहीं कर लेता कि उसे गॉड के पास जाना है या डेविल लूसीफर के पास जाना है, तब तक उसे अर्थ पर ही रहना होगा। और उसके साथ बाकी भी एंजल्स रहते हैं, जिन्होंने अब तक किसी को भी चूज नहीं किया रहता है, तो इन सभी को चूज करने के लिए ही फॉलन दोबारा बुलाया जाता है। इस स्टोरी के बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसके पेरेंट्स उसे क्रॉस एंड स्वॉर्ड्स बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, यह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, यहाँ पर इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बच्चे ही बच्चे डाले जाते हैं, जो सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह नहीं पाते या कोई क्राइम करते हैं, उन्हें इस स्कूल में डाला जाता है। यहाँ सब लुसिंडा को लूसी बुलाते हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। लूसी जैसे ही एंटर करती है, उसके सब फ़ोन वगैरह निकाल लिया जाता है। और उसी वक्त जब वो इंस्ट्रक्टर से बात कर रही होती है, तभी एक पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाती है। उसका नाम है कैंप, ये मूवी का दूसरा कैरेक्टर है। और तभी लूसी उसको देखती है और वहाँ पर और एक लड़की आती है जिसका नाम है एरियन। वो लूसी से कहती है कि तुम कैंप से बात मत करना, क्योंकि वो बहुत ट्रबल करता है। एरियन लूसी को उसकी रूम दिखाती है और एरियन को पहले लगता है कि लूसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसे बाद में लूसी के बारे में पता चलता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम है, और लूसी उसी वजह से इस स्कूल में आई थी। लूसी बहुत ही नॉर्मल दिखने वाली लड़की थी। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो एक थेरेपिस्ट के पास होती है और उसका थेरेपिस्ट उससे सवाल कर रहा होता है कि अब तुम्हारे हेलुसिनेशंस कैसे हैं। लूसी को हेलुसिनेशंस होते हैं, उसी वजह से वह इस स्कूल में आई। लूसी का थेरेपिस्ट उसे कहता है, तुम चाहे तो नॉर्मल लाइफ जी सकती हो, मेडिकेशन अगर आप लो तो तुम नॉर्मल जी सकती हो, पर वह कहती है कि मैं मेडिकेशन नहीं लूँगी। वह साफ इनकार कर देती है, कहती है कि हेलुसिनेशन यह अलग पार्ट है। इसके बाद हमें लूसी लाइब्रेरी में दिखाई देती है, वहाँ एक लड़का पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसे देखकर लूसी सरप्राइज हो जाती है, उसे लगता है कि इसे वो जानती है, पर कहाँ से जानती है वो उसे समझ में नहीं आता। ये हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है डैनियल। वो लूसी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैलोवीन में लूसी को पीछे से एक लड़की धक्का देती है, वो आगे गिर जाती है। उसका नाम मैरी होता है, जिसने लूसी को धक्का दिया होता है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पूरा वर्ल्ड तुम्हारे अराउंड घूमता है? लूसी कहती है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। फिर मैरी कहती है, तुम एक मर्डरर हो। उस पर लूसी को यह सुनते ही पास्ट याद आता है, जिसमें हम देख पा रहे होते हैं लूसी के पीछे एक घर जल रहा होता है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा।
फिर भी मैरी मान नहीं रही थी, इसलिए लूसी ने उसे पुश कर दिया। तभी उनके टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें लड़ता देख लूसी को पनिशमेंट हो जाती है। अब जहाँ लूसी वॉशरूम में होती है वहाँ उसे एक लड़की मिलने आती है और वह उसे कहती है कि यहाँ पे विदाउट हॉल पास आना मना है। उस बात को सुनकर लूसी समझ नहीं पाती और उस बात को लेकर वह डिस्टर्ब हो जाती है। उसे डिस्टर्ब देख वो लड़की उसे अपोलॉजी मांगती है। वो कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन लूसी क्लास में आती है, वहाँ वो डैनियल को नोटिस करती है। डैनियल कुछ तो भी ड्राइंग बना रहा होता है। लूसी की फीलिंग जाती ही नहीं उसे देखकर। उसे लगता है मैं इसे जानती हूँ। उस दिन भी क्लास में जो हमें स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी मूवी के, वही स्टोरी क्लास में चल रही होती है। वहाँ पर भी बताया जा रहा होता है कि जिस रेबेल एंजल ने किसी को भी नहीं चुना था वो एक ह्यूमन के प्यार में था, इसी वजह से उसे हेवन से निकाल दिया था। लूसी को इस स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी टीचर उससे कहती है, तुम्हें चर्च में तो सब कुछ बताया गया होगा। उस पर लूसी कहती है कि मेरे पेरेंट्स रिलीजियस नहीं थे, यानी कि उस पर होली वाटर का स्प्रेड भी नहीं किया गया था। यह सब कुछ सुनकर डैनियल और उसके फ्रेंड बहुत चौंक जाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई हो। क्लास के बाद जब लूसी ग्राउंड में काम कर रही थी तब उनके स्कूल का बड़ा सा स्टैचू उस पर आकर गिरता है। वो डैनियल देखता है और उसे बचा लेता है। जब वो करीब थे तब लूसी को कुछ विजुलाइजेशन होता है, कुछ बातें उसे याद आती है। तो बेन ने कहा कि तुम मेरा टाइम यूज कर सकती हो। एक्चुअली बेन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैम लूसी को खिड़की से देख रहा था। मैरी उससे कहती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? कैम कहता है, मैरी उससे कहती है कि हम किसके लिए काम करते हैं ये तुम कभी मत भूलना, और लूसी से प्यार करने की गलती कभी मत करना। क्लास में लूसी डैनियल को अप्रोच करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। इस पर डैनियल कहता है, अगर हम मिले होते तो मैं तुम्हें डेफिनेटली जानता। उसे इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। क्लास के बाद बाहर लूसी को कैम मिलता है और वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए अप्रोच करता है। क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? ऐसा पूछता है। लूसी उस पर कहती है कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। कैम कहता है, डिनर स्किप कर दो। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। कैम उसके लिए कॉफ़ी लाता है जो बहुत टेस्टी होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने ये कॉफ़ी कहाँ से लाई? वो कहता है, मैंने टीचर्स के ऑफिस से चुरा ली थी। इस पर लूसी हंसती है और कहती है, तुम बहुत बुरे हो। कैम कहता है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसे चुरा लेता हूँ। वैसे मुझे तुम भी बहुत रिविलियस लगती हो। अब कैम को लूसी बहुत पसंद है इसलिए वो ऐसा कह रहा था। तुम्हारी आँखों में अजब सा स्पार्क है। यहाँ पे स्कूल का एक लेक्चर ख़त्म हुआ और यहाँ पे इनकी डेट ख़त्म हुई। उसके बाद ये दोनों स्वॉर्ड क्लास में चले गए, जहाँ लूसी की अपोजिट में मैरी थी जिससे वो हार गई थी। उसके बाद उसका फाइटिंग पार्टनर डैनियल बना। उसके साथ लड़ते वक्त लूसी को मेमोरीज आने शुरू हो गई। उसमें भी वो स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग करते हुए दिखती है और उसने कभी भी स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग नहीं की थी। फिर भी वो डैनियल के साथ बहुत देर तक लड़ती है और इनकी फाइट बहुत सीरियस हो चुकी थी। ये सब देखकर डैनियल भी सरप्राइज था। उसके बाद लूसी अपने फ्रेंड को डैनियल के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड पेन कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी। उसने डैनियल की फाइल पढ़ी पर उसमें कुछ नहीं था। ये सब सुनकर लूसी को और बेन को दोनों को भी अजीब लगता है। आज रात पार्टी थी जहाँ लूसी पेन को लेकर गई। वहाँ पर कैम भी था। कैम लूसी के पास आया और कहता है, मैं वंडर हूँ तुम यहाँ कैसे? लूसी कहती है, मैं जितनी इनोसेंट दिखती हूँ शायद उतनी हूँ नहीं। उसके बाद इस पार्टी में पेन को एक लड़का अप्रोच करता है जिसका नाम है टॉर। वो उसे पेन बहुत कूल लगती है और पेन को लाइफ में
इससे पहले कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला नहीं था, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों के इंटरेस्ट भी सेम होते हैं। उसके बाद वो बहुत बातें करते हैं। फिर लूसी अकेली रहती है, तब मैरी उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी शैडोज दिखती है? जिस लड़के को तुमने मार डाला था उसके बारे में तुम अभी भी सोचती हो? ये सब बातें सुनकर लूसी डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ पर कैम आकर उसे मैरी से दूर ले जाता है। डैनियल को लूसी का कैम के साथ होना अच्छा नहीं लगता और वो कैम के साथ झगड़ा करता है। ये सब देखकर वो फिर से डिस्टर्ब हो जाती है और रात को बुरे ख्याल ना आए और शेडोज ना दिखे, इसलिए वो मेडिकेशन लेकर सो जाती है। एक दिन जब लूसी स्विम कर रही थी तब पूल में डैनियल भी उसके साथ था। उसे देखकर वो फिर से कहती है कि मैं ये बात छोड़ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हें जानती हूँ। उस पर डैनियल उसे इग्नोर करता है, उसे इग्नोर करने के लिए सॉरी कहता है और उसे समझाता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर अब वो नहीं है और हमारी रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सब कहकर उसने फिर से लूसी को इग्नोर कर दिया। मैरी को लूसी के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए लूसी को लगता है कि उस पर लूसी बहुत अपसेट हो जाती है। पेन उससे कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। लूसी पेन से कहती है कि मुझे और भी ज़्यादा शैडोज दिखने लगी है, अब एक्चुअल में हुआ क्या था अब वो हमें समझ में आ जाएगा। लूसी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था ट्रेवर। वो दोनों एक दिन पार्टी में मिले। पार्टी में वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। वो लूसी को अपने साथ कैबिन में लेके जाता है। उस दिन लूसी का बर्थडे भी होता है। वो दोनों फ्लर्ट करते हैं, इंटीमेट होने वाले होते हैं, तभी लूसी को शैडोज दिखने शुरू हो जाती है। शैडोज की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और लूसी तो बाहर आ जाती है पर ट्रेवर अंदर ही रह जाता है और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से जब भी उसे शैडो दिखती है वो लूसी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और डर जाती है। उसे लगता है उसका कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी शैडोज़ की वजह से वो उन्हें खतरे में डाल सकती है। पेन कहती है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी, तुम्हें एक फ्रेंड की बहुत ज़रूरत है और इस सब से तुम्हें अकेला नहीं गुजरना चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। यहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप और भी मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में फिर से एंजल्स और गॉड्स की कहानी शुरू हो गई। इन सब से तंग होकर एरियान वहाँ से चली गई। क्लास होने के बाद जब वो फ्रेंड्स के साथ बाहर आ गई थी तब वो सोचती है कि मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है, तो वो उसे लेने के लिए क्लास में फिर से जाती है और तभी वो देखती है कि डैनियल और टीचर दोनों बात कर रहे हैं। डैनियल उनसे कह रहा है कि लूसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये लूसी सुन लेती है और किसी को पता ना चले इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते लूसी को डैनियल का एक स्केच मिल गया। उसमें से जो कैरेक्टर दिखता था वो पूरा लूसी के तरह दिखता था। ये देखकर लूसी चौंक जाती है। डैनियल लूसी को नोटिस करते हुए उसके पीछे आता है। उसे लूसी से बात करनी होती है। लूसी डैनियल को पूछती है, लूसी डैनियल से पूछती है कि ये स्केच कैसा। उस पर डैनियल कहता है, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ और उसका एंडिंग मुझे पता नहीं है। तो लूसी इस नॉवेल के बारे में इंटरेस्टेड हो जाती है। वो उससे नॉवेल की स्टोरी पूछती है। वो कहता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलते हैं, उनमें प्यार हो जाता है, दोनों किस करते हैं और लड़की मर जाती है। इन पर कर्स है, इस लड़के को फिर से 17 साल उस लड़की का वेट करना पड़ता है। इस बार लड़का जरा भी एज नहीं होता। वो दोनों फिर से मिलते हैं और फिर से वो किस कर जाती है और ये ऐसा साइकिल सेंचुरी तक चलता रहता है। लड़की का पुनर्जन्म होता रहता है और उस लड़के ने बहुत ट्राई किया उस साइकिल को ब्रेक करने का पर वो कर नहीं पाया। वो लड़का 17 साल तक वेट करता रहता है। लूसी पूछती है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो क्या ये उसी के बारे में है? तो डैनियल कहता है कि नहीं, वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन है,
जो डैनियल ने स्केच निकाला हुआ होता है वो बिल्कुल लूसी की तरह ही दिख रहा होता है। लूसी पूछती है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो क्या ये उसी के बारे में है? तो डैनियल कहता है कि नहीं, वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन है। जो डैनियल ने स्केच निकाला हुआ होता है वो बिल्कुल लूसी की तरह ही दिख रहा होता है। डैनियल कहता है कि मेरे नॉवेल की मेन कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारे ही तरह दिखती है। मैंने तुम्हें ड्रॉ तक किया पर तुम्हारी आँखें ड्रॉ नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे आँखों में कुछ तो है। तुम्हारे आँखें बहुत ही ब्यूटीफुल है। लूसी डैनियल से कहती है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, क्योंकि मैं कभी पेरिस नहीं गई और तुम्हारे ड्राइंग में पेरिस दिखा रहा है। मैं पेरिस कभी नहीं गई पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ के स्ट्रीट पे फ्लावर बेचने वाले को मैं जानती हूँ। उसके पास एक डॉग भी है, ये भी मैं जानती हूँ। उस पर डैनियल कहता है, काश मैं तुम जो मुझे पूछ रही हो उसका मैं जवाब दे पाता। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आज लूसी का बर्थडे है और वहाँ पर कैम आ जाता है। कैम उसे कहता है कि तुम्हारे मन में जितने सवाल है उनके सभी आंसर मैं आज तुम्हें दे दूंगा। यह बताकर वो उसे एक बैग दे देता है और उसमें वो देखती है कि एक ड्रेस है और एक ब्यूटीफुल नेकलेस है जो उसे वो गिफ्ट करता है। ये सब पहनकर वो क्लब में चले जाते हैं। क्लब में जाने के बाद लूसी उससे पूछती है कि यहाँ हम क्यों आए हैं। कैम उसे यह बोलकर टाल देता है कि आज सिर्फ हम इंजॉय करेंगे। उसे किस करता है, उसके बाद वो क्लब में इंजॉय करते हैं। वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और वो दोनों को साथ में देखकर कैम के साथ झगड़ा करता है और कहता है, तुम दोनों ये स्टॉप कर दो, तुम अभी भी लूसीफर के लिए काम करते हो। ऐसा वो कैम से कहता है। डैनियल कहता है, तुम लूसी के लिए सही नहीं हो। और फिर लूसी वहाँ से चली जाती है। फिर से वो विजन्स उसको आने लगते हैं, वो वंडर करने लगती है और वो यह सोचती है कि ये विजन्स मुझे इतने रियल क्यों लगते हैं। वो उस बात को समझ नहीं पाती पर वो यह एक फिगर आउट कर लेती है कि ये सब कुछ डैनियल से कनेक्टेड है और डैनियल उसे कुछ भी नहीं बताता। इन सब बातों को लेकर लूसी अपने फ्रेंड बेन के पास आई। अब टॉड पेन का बॉयफ्रेंड बन चुका था। ये तीनों सब कंप्यूटर लैब में आते हैं और कंप्यूटर में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में डैनियल की फ़ोटो डालकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। तो फोटो डालने के बाद डैनियल की सेंचुरी पुरानी फ़ोटो आ जाती है। उसमें डैनियल को देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं और भी वो फोटोज़ देखने लगते हैं। लूसी उसमें एक फ़ोटो देखती है जिसमें डैनियल और लूसी दोनों एक साथ खड़े हुए होते हैं, दोनों पास्ट में साथ होते हैं। यह देखने के बाद उसे शैडोज दिखने स्टार्ट हो जाती है। उस वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाती है और डैनियल तो लूसी पर नज़र रखे ही हुआ था, इसलिए वो लूसी को बचा लेता है। पर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसमें बेन का बॉयफ्रेंड टॉड, वो उसकी मौत हो चुकी है। यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। बेन उसके पास आती है और बहुत रोती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उसके बाद वो खिड़की के पास आकर बाहर देखती है, तब डैनियल उस पर नज़र रखे हुए होता है। उसको देखकर वो उसके पास आ जाती है और उससे कन्फ्रंट करती है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, मुझे अभी भी हमारे पास्ट के बारे में विजन्स आते रहते हैं, सब लोग मुझे पागल समझते हैं। आज मैं खुद जानना चाहती हूँ कि मैं सच में पागल हूँ। वो साइड रेल पर खड़ी हो जाती है और वहाँ से जंप मार देती है। उसे देखकर डैनियल अपने विंग्स खोल देता है और उसे बचा लेता है। डैनियल वही एंजल है जिसने प्यार के लिए हेवन भी छोड़ दिया था। उसने हेवन और हेल इन दोनों के भी बारे में कभी भी चूज नहीं किया था, क्योंकि उसे हमेशा लूसी के साथ ही रहना था। लूसी आँख खोलती है, तब वो देखती है डैनियल उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। डैनियल के गले में जो लॉकेट रहता है उसमें लूसी देखती है उन दोनों का फोटो रहता है। लूसी ये बात समझ नहीं पाई, उसे शैडोज आने स्टार्ट हो गई और वो डरने लग गई। डैनियल उससे कहता है, डरो मत, ये शैडोज़ तुम्हारी मेमोरी को
स्टोर करके रखते हैं। उस शैडोज़ में लूसी देखती है डैनियल के साथ, उसका पूरा पास्ट उसे दिखता है, उनके ब्यूटीफुल मेमोरीज उसमें स्टोर है ऐसा उन्हें दिखता है। दोनों भी शैडोज़ को देखते हैं। डैनियल ने जो लूसी को स्टोरी बताई थी वो लूसी के बारे में ही थी। हर 17 साल बाद लूसी डैनियल से मिलती है और उनकी किस होने के बाद लूसी की डेथ हो जाती है। पर इस बार डैनियल को लगता था कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि लूसी की आंखें कुछ अलग ही है, उसमें कुछ अलग ही स्पार्क है। इसलिए दोनों किस करने जाते हैं। तभी कैम वहां पे आता है और वो कहता है कि तुम किस्मत करो नहीं तो लूसी की डेथ हो जाएगी। वो कहता है लूसी से कि डैनियल तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुमने डैनियल को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। अब लूसी को कैम और डैनियल के बीच में चूज़ करना होता है। लूसी ऑब्वियसली डैनियल को चूज़ करती है। बारी वो दोनों किस करते हैं और लूसी को कुछ नहीं होता क्योंकि उन पर जो कर्ज था वो ब्रेक हो चुका है। कैम लूसी को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है और वहीं पर डैनियल की टीचर जो भी एक फॉलन है वो वहाँ पर आ जाती है। डैनियल उससे कहता है कि आप लूसी को ले जाओ और कैम के साथ उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। कैम और डैनियल दोनों स्काई में बड़े से स्टॉर्म के बीच में झगड़ा कर रहे होते हैं। दोनों की फाइटिंग पूरा स्कूल देख रही होती है। कैम और उसके बाकी फ्रेंड्स जो एंजल थे ये बात देखकर डर जाते हैं। वो देखते हैं कि अब तो कर्ज ब्रोक हो चुका है और इससे लूसीफर को बहुत गुस्सा आएगा और इसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। इसलिए कैम लूसी को यहाँ से ले जाने की बात करता है। इससे डैनियल और कैम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वहीं पे डैनियल की टीचर जो भी एक एंजल है वो वहाँ पर आ जाती है। लूसी के पास उसकी फ्रेंड पेन आती है, तभी टीचर उसका गला काट देती है और उसे मार देती है। पर डैनियल के फ्रेंड पेन के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। डैनियल की टीचर लूसी से कहती है कि तुम्हारी वजह से डैनियल हेवन में नहीं जा सका, जो कि अब साइकिल टूट चुका है। अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो डैनियल कुछ ना कुछ चूज़ कर पाएगा। वो लूसी को मारने ही वाली होती है, तभी डैनियल उसे वहाँ पर आकर प्रोटेक्ट करता है। डैनियल को देखकर उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है। लूसी डैनियल से कहती है कि पूरी ज़िंदगी में मैं खुद को ढूंढती रही, मुझे लगता था कि मैं कहीं पर भी बिलोंग नहीं करती, पर अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये सब पता चल रहा है कि मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ। अब वो डैनियल के साथ ही रहना चाहती है। उसके बाद वो दोनों साथ में फ्लाई करके चले जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है और यह बुक की स्टार्टिंग सीरीज पर आधारित है और इसका एंड मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।